अब कई राज्य जैसे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, झारखंड, किसी न किसी कारण से उन्होंने इस बात को नहीं माना और उनके राज्य को नागरिकों को बोझ कंटिन्यू रहा। तेल पर सरकार को घेरने वाले विपक्ष को आज सीधे पीएम ने आड़े हाथों लेकर चौंका दिया। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक तो कोरोना पर थी, लेकिन पीएम ने पेट्रोल डीजल पर वैट कम नहीं करने वाले राज्यों की पूरी लिस्ट निकाली और जनता को पूरी तफसील से समझा दिया कि कहां कितना महंगा तेल मिल रहा है। आज चेन्नई में, तमिलनाडु में पेट्रोल करीब 111 रुपया के पास है, जयपुर में 118 से भी ज्यादा है, हैदराबाद में 119 से ज्यादा है, कोलकाता में 115 से ज्यादा है, मुंबई में 120 से ज्यादा है। अभी तक विपक्ष सरकार को तेल के दाम बढ़ने पर संसद से सड़क तक घेरता था, लेकिन इस बार तेल की सियासत में पीएम ने एंट्री मारी और सीधे 5 महीने पहले दिवाली पर केंद्र सरकार के फैसले की याद दिलाई, जिसमें पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी घटाई गई थी। मोदी सरकार के इस फैसले की देखा देखी बीजेपी शासित राज्यों ने भी अपने यहाँ वैट घटाने का ऐलान कर टैक्स में कटौती करने की जिम्मेदारी विपक्षी राज्यों के पाले में डाल दी, लेकिन विपक्षी दलों की सरकारों ने केंद्र की गुजारिश को मानने से इनकार कर दिया, जिसका पूरा ब्यौरा आज पीएम ने जनता के सामने पेश कर ये जता दिया कि विपक्ष की सरकारें महंगाई के बोझ तले दब रही, जनता से मनमाना टैक्स वसूल रही हैं। देशवासियों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी, पिछले नवंबर महीने में कम की थी। केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करें और ये बेनिफिट नागरिकों को ट्रांसफर करें। इसके बाद कुछ राज्यों ने तो भारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। इस वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें इन राज्यों में अब भी दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ये एक तरह से इन राज्यों के लोगों के साथ अन्याय तो है ही, साथ ही पड़ोसी राज्यों को भी नुकसान पहुंचाता है। इस तरह पीएम ने जनता को बता दिया कि तेल पर राहत देने की जिम्मेदारी अब विपक्ष की सरकारों की है, जिन्होंने उनकी सलाह को नहीं माना, इसीलिए जनता को महंगाई की आग में जलना पड़ रहा है। मैं यहाँ किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं इस बात में नहीं जाऊंगा कि इस दौरान इन राज्यों ने कितना रेवेन्यू कमाया, लेकिन अब आपसे मेरी प्रार्थना है कि देश हित में आप पिछले नवंबर में जो करना था 6 महीने डिले हो चुका है, अब भी आप अपने राज्य के नागरिकों को वैट कम करके इसका बेनिफिट पहुंचाइए। लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद से ही महंगे होते तेल को लेकर पीएम जनता को अपनी बात बता रहे हैं। यूपी चुनाव में जीत के बाद उन्होंने बदलती दुनिया का उदाहरण दिया था और आज उन्होंने जनता को ये भी समझा दिया कि अब क्यों केंद्र की तरफ से तेल के दामों में छूट देना मुश्किल होगा। पीएम मोदी ने बताया कि भारत सरकार के पास जो राजस्व आता है उसका 42% राज्यों के पास चला जाता है। पीएम ने कहा कि कर्नाटक अगर वैट नहीं घटाता तो उसे भी इन 6 महीनों में 5,000 करोड़ से ज्यादा का राजस्व मिलता। गुजरात ने भी वैट घटाया था, नहीं घटाते तो 3 से 4 हजार करोड़ का राजस्व मिल जाता। इन बातों का ये निचोड़ निकाला जा रहा है कि अगर बीजेपी शासित राज्य पेट्रोल डीजल पर वैट कम करके अपना काम चला सकते हैं, तो फिर विपक्ष क्यों महंगाई के लिए जिम्मेदार तेल की कीमतों को कम नहीं कर रहा। राजस्थान में पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों से लोगों का बजट अस्त व्यस्त हो गया है। हम हैं इस समय जयपुर के एक पेट्रोल पंप पर, जहां पर पेट्रोल का जो प्रीमियम क्वालिटी है उसका दाम 120 रुपए प्रति लीटर के पार हो गया है, जबकि दूसरे क्वालिटी के पेट्रोल का दाम 118 रुपए के पार हुआ है, जबकि डीजल का जो दाम है वो 100 रुपए के पार हुआ है। आज
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि केंद्र ने पहले जो एक्साइज ड्यूटी फ्यूल प्राइसेस पर की उस पर कमी की है, पर कई राज्यों ने इसमें कमी नहीं की है। उन्होंने आह्वान किया है कि जो राज्य हैं, जो दरख्वास्त किया है कि राज्य भी पेट्रोल डीजल के दामों में कमी करें। कुछ लोग हमारे साथ हैं। सर, पेट्रोल डीजल के जो दाम इतने बड़े हुए हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राज्यों को कम करना चाहिए, केंद्र पहले कर चुका है, आप किसको जिम्मेवार मानते हैं? बिल्कुल सही है, राज्यों को कम करना चाहिए। आप उत्तर प्रदेश में देखिए 10 या 12 रुपए कम रहते हैं। राजस्थान गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो अपने पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए। अगर उत्तर प्रदेश में कम मिल सकता है तो राजस्थान में भी कम मिलना चाहिए। भारत तेल के मामले में पूरी तरह से आयात पर निर्भर है, इसीलिए ईरान से अमेरिका की लड़ाई हो या फिर यूक्रेन पर रूस का हमला, दुनिया में होने वाली हर घटना भारत को प्रभावित करती है। संकट यह है कि अगर देश तेल के मामले में आत्मनिर्भर नहीं बना तो रूस यूक्रेन की जंग भले ही थम जाए, लेकिन भारत में होने वाली ये सियासी जंग नहीं थमेगी। आज तक ब्यूरो।